मध्य प्रदेश में सितंबर की बारिश अब लोगों पर सितम बन करके टूट रही है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में सामान्य से 85% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश में बारिश सामान्य से 33% से अधिक हो चुकी है। मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं जहां पर बारिश अपने सामान्य कोटे से 100% अधिक हो चुकी है। भोपाल में बारिश लगातार बारिश जारी है और उससे अब लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। मैम, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके कारण निचले इलाकों में पानी भर रहा है और जिसके कारण गरीब लोगों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो निचले हिस्से में जो पंचशील इलाका है वो पूरी तरह से ने डूबा हुआ था कुछ दिन पहले। जी, मतलब आपको परेशानी हो रही है, मतलब घर से निकलने में परेशानी? हाँ हाँ, बिल्कुल दिक्कत होती है। क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी दिक्कत। तो इतनी बारिश होगी तो सितंबर के महीने में हमने तो कभी नहीं देखा कि इतनी बारिश होती है ना। जी सर, आपको कैसा लग रहा है कि क्या बारिश अभी कैसी लग रही है? बहुत परेशानी हो रही है बारिश से, बाहर निकलने में, कहीं बाइक से, कहीं कार से जाने में। हाँ। पानी भरा जाना, ज्योति टाकिस पे बहुत पानी भराता है। तो मतलब ट्रैफिक में भी समस्या? ट्रैफिक में भी होता है। हाँ। थोड़ा सा इसी टाइप से। और क्या, बहुत परेशानी हो रही है। और क्या, हर जगह जगह पानी भरा है बाढ़ का, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और क्या, ये मतलब छोटे तालाब के किनारे आप घूमने? हाँ। आते हैं यहाँ पर डेली? आ पाती हैं मैम? नहीं नहीं, डेली तो नहीं आ पाते हैं, आज ही आए हैं हम। हाँ। बहुत काफी दिनों में आए हैं बारिश में। हाँ। तो डेली तो नहीं आ पाते। तो मतलब बारिश से आम जनजीवन भी आप? हाँ, आम जनजीवन तो व्यस्त अस्त व्यस्त ही हो चुका है। सब्जियों की महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब्जियाँ की खराब हो रही है इतनी सब्जियाँ, और उससे इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जिसकी हद नहीं है। निचले स्तर के लोगों के लिए तो प्याज और आलू खरीदना भी मुश्किल हो रहा है, इतना इतनी महंगाई बढ़ रही है बारिश की वजह से। आपको कितना अंतर लग रहा है? पहले 40 रुपीस किलो प्याज है, जो जबकि 10-15 रुपए किलो था, और ये बारिश की वजह से अब सीधे 40 पे आ गया है। हाँ। है ना। हाँ, जिसके तो कारण तो होगा ही। और आप ऑफिस जाते होंगे क्या? ट्रैफिक में दिक्कत होती होगी? ट्रैफिक का सामना करना पड़ता होगा? सबका सामना करना पड़ता है ऑफिस के लिए। गड्ढे बहुत हो गए सड़कों पे, गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, जाने आने में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो क्या बोले अब। तो बारिश सितम बनकर के इस समय सितम ढा रही है। यह भोपाल के सभी तालाब जो हैं वो पूरी तरह भर चुके हैं। भदभदा डैम, कोलार डैम के गेट लगातार खोले गए हैं। अभी आने वाले दिनों में भी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। आज जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसमें 10 जिलों में अति भारी बारिश, इसके मतलब रेड अलर्ट जारी किया गया है, और 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-4 दिन तक पूरे प्रदेश में ऐसे ही मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।